नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से एक बाल लीला लेकर मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर ये बाल लीला है, सुनकर अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करें। यह कहानी अरिस्तासुर नामक एक असुर की है। तो कंस जी हर समय श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते थे। एक बार क्या हुआ, कंस एक अरिस्तासुर नाम का दैत्य को कृष्ण को मारने भेज दिया। अरिस्तासुर बड़े ही बलवान थे, बड़े थे और एक बेल के रूप में वृंदावन में जा घुसे। कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे एक कोने पर, और सभी लोग थे उधर पर, ग्वाल और सब तरह के लोग थे, वृंदावन के वासी थे। जब यह बेल अपने जोश से दौड़ रहे थे वृंदावन के गलियों में, हर लोग भयभीत हो गए थे। सूरज भी जैसे बादलों के बीच भय से छिप गए थे। पशु पक्षी भयभीत हो गए थे, क्योंकि उस बेल से नकारात्मक जो शक्ति है वो आ रहे थे और वे लोग भयभीत हो रहे थे, थरहरी कंपमान हो रहे थे वृंदावन। तभी सभी ने बुलाया श्री कृष्ण को, बाल रूपी श्री कृष्ण को, हमें बसाइए, उन्होंने प्रार्थना किया। कृष्ण मुस्कुराए और बेल के सामने आए। बेल रूपी अस्तासुर दैत्य कृष्ण को देखकर खुश हो गए, बोले, मैंने बहुत सारे बलवान लोगों का हत्या की है, तू बालक क्या है, तुझे मैं हत्या कहने आया हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ताली मार कर बोले, आइए मुझे मारिए, आप जो भी हैं। अस्तासुर ने बेल रूप में कृष्ण के सामने आया और दौड़ कर कृष्ण को वो आक्रमण करने सहा, लेकिन कृष्ण ने उसका एक सिंह तोड़कर उसके पेट में घोप दिया। अस्तासुर छटपटाया तो कृष्ण ने उसे मार डाला। मरने से पहले वो असुर कृष्ण के पांव पर गिर पड़े। कृष्ण मुस्कुराए, दयालु कृष्ण के हृदय में सबके लिए करुणा थे। तो राक्षस की वहीं पर मृत्यु हुआ, लेकिन कृष्ण के हाथों मृत्यु हुआ तो उसका आत्मा जरूर अमर हो गया।